आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पिता ने लगाई मृतक बेटी के लिए गुहार, दहेज के दानों ने बनाया आहार। खबर जनपद भदोही के पुलिस अधीक्षक कार्यालय सरपताहा से है, जहां पहुंचे एक पिता ने पुलिस अधीक्षक भदोही से अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित पिता ने कहा कि मेरी बेटी दहेज की भेंट चढ़ गई। ससुराल पक्ष का कहना है कि उसके साथ हादसा हुआ है, लेकिन आशंका ही नहीं पूरा विश्वास है कि जिस तरह से ससुराल पक्ष द्वारा लंबे समय से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, इसमें इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता कि लड़की के साथ हादसा हुआ है। बार बार शादी के बाद दहेज की मांग करना, जबकि हमारे पास जो भी था शादी में दे दिया था। इतना ही नहीं, पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि जब बेटी को दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे तो हमने विरोध किया और कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही सबको जलाया जाए, लेकिन ससुराल वालों ने जल्दीबाजी करते हुए बिना पोस्टमार्टम हुए ही सबको जला दिया। बहरहाल जो भी हो, मामले में आवश्यक जांच होनी चाहिए और जो दोषी हो उनके खिलाफ कठोर एवं अनुशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। यदि एक बेटी दहेज की भेंट चढ़ी है तो ऐसे दहेज के लोभियों के खिलाफ कठोर एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बताते चले कि मृतका पूजा देवी के पिता संजय कुमार तिवारी ग्राम भरद्वार थाना कोयरौना जनपद भदोही ने बताया कि मेरी बेटी की शादी अतुल कुमार पांडे निवासी रघुरामपुर पोस्ट नथहीपुर थाना ऊंच जनपद भदोही के साथ हुई थी। जब शादी हुई तो लड़का बेरोजगार था, लेकिन शादी के एक साल बाद ही वह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो गया। जैसे ही लड़के की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भर्ती हुई, परिवार वालों ने अच्छी खासी दहेज की रकम मांगना शुरू कर दिया। हम मांगी गई रकम देने में असमर्थ थे, जिसका खामियाजा हमें अपनी बेटी की जान देकर भुगतना पड़ा। अब ऐसे में जनपद भदोही प्रशासन से एक गुहार है कि हमारी बेटी को न्याय दिलाकर दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे फिर किसी बेटी के खिलाफ ऐसा करने की कोई हिमाकत ना कर सके। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ पिंटू तिवारी की रिपोर्ट। आइए जरा अब इस संबंध में पीड़ित पिता का बयान सुनवाते हैं। तिवारी, तुलसीपट्टी पोस्ट सूर्यभानपुर थाना कोयरौना जिला भदोही। मामला क्या है? मामला यह है कि हम अपनी लड़की का शादी रघुरामपुर गांव में किए थे। परम प्रज्ञान पांडे, सना पंकज पांडे, दादा का नाम सच्चिदानंद पांडे। शादी का समय था 11-12 दिसंबर 2019 में शादी की थी। उनके आवश्यकतानुसार अपनी स्वेच्छा से लड़की के सुख शांति के लिए हमने जितना हमारी क्षमता बनी, जितना हम लोगों का औकात था, उससे ज़्यादा हमने खर्च करके शादी की। तो उसके बाद ये लोग शादी के पहले लड़का बेरोजगार था, पढ़ लिख रहा था। शादी के बाद शर्मिंदा के पद पर ये फॉरेस्ट विभाग में किसी पद पर नियुक्त हो गया था, जो कि नियुक्त होने के बाद वो दहेज के रूप में एक स्विफ्ट डिजायर कार का डिमांड हम लोगों से करने लगा। हम न देने दे पाने के असमर्थता को जताते हुए उनसे प्रार्थना की कि हमारी औकात नहीं है, हमारे 6 लड़की हैं, हमें और भी शादी करनी है, हम नहीं दे पाएंगे। मामले को दबाने का प्रयास किया, चलो समय के अनुसार सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लड़की के ऊपर भी काफ़ी ये लोग दबाव बना रहे थे, घर के औरतों से भी फ़ोन करके ये दबाव बना रहे थे। लास्ट में 19 फरवरी को ये 22 में उसकी हत्या कर दी। अच्छा, किस तरह से हत्या किए हैं? हत्या का मामला तो इन्होंने जो हमें फ़ोन करके बताया था कि उसको एक्सीडेंटल मामला बताया कि इंडक्शन पे खाना बना रही थी, करंट लगने से उसकी स्थिति गंभीर हो गई है, जो कि यहाँ पे दीप नर्सिंग होम वहीदा नगर में ले आए हैं ट्रीटमेंट के लिए लाए हैं, और इसकी स्थिति गंभीर है, आप तत्काल आ जाइए। तो हमारा छोटा भाई के पास फ़ोन किए तो वो गया था। जाने के बाद करीब 11-12 बजे के आसपास फ़ोन किए थे। जाने के बाद वहाँ पे जब घूम टहल के देखा कोई नहीं मिला, तो वो पांडे जी के पास फ़ोन किया, पूछा कि पांडे जी आप लोग कहाँ पे हैं, हम यहाँ अस्पताल में आए, आप लोग दिख नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये लड़की को डॉक्टर ने मेडिकल घोषित कर दिया, हम घर लेकर चले आए हैं। तो आने के बाद वहाँ पर जब वो फ़ोन किया तो फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने इसे मेडिकल घोषित कर दिया और घर पर बुलाया। घर पर जाने के बाद कई घर पे नहीं मिलते हैं, उसके बाद फ़ोन करने पर घाट पे बुलाते हैं। घाट पे जाने के बाद जब हम लोगों ने लाश जलाने का विरोध किया तो बलपूर्वक इन्होंने दाह संस्कार करके डरा धमका के हम लोगों को दाह संस्कार कर दिया। फिर इस मामले को लेकर दूसरे दिन 20 तारीख को हम थाना ऊंच
FIR का दर्ज कराने गए, जहां पर कि उन्होंने मेरी तहरीर लेकर मैडम पूजा कौर ने बताया कि ये मामला सबूत मिट गया है, CO साहब के संज्ञान में देती हूँ, अब वो वही वहाँ आपका FIR दर्ज किया। फिर हमने SP साहब से बात किया, जो कि ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपका मुकदमा दर्ज किया जाएगा, FIR दर्ज किया जाएगा। जो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तुलसीपट्टी पोस्ट सूर्यमानपुर थाना कोइरौना जिला भदोही। मामला क्या है? मामला यह है कि हम अपनी लड़की का शादी रघुरामपुर गांव में किए थे, परम प्रज्ञान पांडे, सना पंकज पांडे, दादा का नाम सच्चिदानंद पांडे। शादी का समय था 11-12 दिसंबर 2019 में शादी की थी। उनके आवश्यकतानुसार अपनी स्वेच्छा से लड़की के सुख शांति के लिए हमने जितना हमारी क्षमता बनी, जितना हम लोगों का औकात था, उससे ज़्यादा हमने खर्च करके शादी की थी। तो उसके बाद ये लोग, शादी के पहले लड़का बेरोजगार था, पढ़ लिख रहा था, शादी के बाद शर्मिंदा के पद पर ये फॉरेस्ट विभाग में किसी पद पर नियुक्त हो गया था, जो कि नियुक्त होने के बाद वो दहेज के रूप में स्विफ्ट डिजायर कार का डिमांड हम लोगों से करने लगा। हम न देने दे पाने के असमर्थता को जताते हुए उनसे प्रार्थना की कि हमारी औकात नहीं है, हमारे 6 लड़की हैं, हमें और भी शादी करनी है, हम नहीं दे पाएंगे। मामले को दबाने का प्रयास किया, चलो समय के अनुसार सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लड़की के ऊपर भी काफ़ी ये लोग दबाव बना रहे थे, घर के औरतों से भी फ़ोन करके ये दबाव बना रहे थे। लास्ट में 19 फरवरी को ये 22 में उसकी हत्या कर दी। अच्छा, किस तरह से हत्या किए हैं? हत्या का मामला तो इन्होंने जो हमें फ़ोन करके बताया था कि उसको एक्सीडेंटल मामला बताया कि इंडक्शन पे खाना बना रही थी, करंट लगने से उसकी स्थिति गंभीर हो गई है, जो कि यहाँ पे दीप नर्सिंग होम वहीदा नगर में ले आए हैं ट्रीटमेंट के लिए लाए हैं, और इसकी स्थिति गंभीर है, आप तत्काल आ जाइए। तो हमारा छोटा भाई के पास फ़ोन किए तो वो गया था, जाने के बाद करीब 11-12 बजे के आसपास फ़ोन किए थे। जाने के बाद वहाँ पे जब घूम टहल के देखा कोई नहीं मिला, तो वो पांडे जी के पास फ़ोन किया, पूछा कि पांडे जी आप लोग कहाँ पे हैं, हम यहाँ अस्पताल में आए, आप लोग दिख नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये लड़की को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, हम घर लेकर चले आए हैं। तो आने के बाद वहाँ पर जब वो फ़ोन किया तो फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया और घर पर बुलाया। घर पर जाने के बाद कई घर पे नहीं मिलते हैं, उसके बाद फ़ोन करने पर घाट पे बुलाते हैं। घाट पे जाने के बाद जब हम लोगों ने लाश जलाने का विरोध किया तो बलपूर्वक इन्होंने दाह संस्कार करके डरा धमका के हम लोगों को दाह संस्कार कर दिया। फिर इस मामले को लेकर दूसरे दिन 20 तारीख को हम थाना ऊंज FIR का दर्ज कराने गए, जहाँ पर कि उन्होंने मेरी तहरीर लेकर मैडम पूजा कौर ने बताया कि ये मामला सबूत मिट गया है, CO साहब के संज्ञान में देती हूँ, अब वो वही वहाँ आपका FIR दर्ज किया। फिर हमने SP साहब से बात किया, जो कि ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपका मुकदमा दर्ज किया जाएगा, FIR दर्ज किया जाएगा। जो